Polis Pakistanlı iki sapığı daha yakalayıp gözaltına aldı. Hedeflerinde sokakta yürüyen, vapurda, metroda ya da otobüste seyahat eden kadınlar var. Onların videolarını gizlice çekiyor, marifetmiş gibi bir de sosyal medyada paylaşıyorlar. Yabancı uyruklu sapıklar son zamanlarda İstanbul'da bir hayli arttı. Kadınlar kendilerine doğrultulmuş bir kamera var mı diye korkudan sokakta yürüyemez oldu. O sapıklar çektikleri görüntülerde kendilerini de göstererek sosyal medya hesaplarında paylaşınca polis harekete geçti ve yakalandı. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ की प्रॉब्लम्स। चार चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस्तांबुल में मैं कुछ दिनों पहले आया हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो देख ही ली होगी कि ईरान से मैं बाई रोड आया हूँ। जैसे मैं इस्तांबुल में पहुँचा, यहाँ पर एक नया शोशा, जिसको आप रियलिटी कह सकते हैं क्योंकि हकीकत है, क्योंकि टर्किश गवर्नमेंट भाई वाहद है, जो कि अगर ज़ाहिर है भाई कोई भी किसी भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट है ना, वो सच का साथ देगी। हाँ, वीडियोस यहाँ पर पहले भी बनाई जाती थी, मैं भी वीडियो बनाता हूँ टिकटॉक पर, लड़के भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए। जो लोग इस्तांबुल में विज़िट करने के लिए आते हैं वो ज़ाहिर है वीडियोज़ बनाएंगे, खूबसूरती देखते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन हर बंदे की एक अपनी नेचर है, वो किस रीज़न से किस वजह से वीडियो बना रहा है। अभी सीन ये हुआ है इस्तांबुल में, जो कि मुझे पता चला आज से 3 दिन पहले। अदील भाई ने मुझे बोला था कि यहाँ पर एक सीन चल रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पर वीडियोज़ ट्रेंडिंग में। अगर आप टर्किश मतलब यूट्यूब ओपन करेंगे ना, यूट्यूब ओपन करेंगे, उसकी लोकेशन चेंज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा टीवी पर ये बकायदा चल रही है कि पाकिस्तानियों ने कुछ लड़कियों की वीडियोज़ बनाई है। अदील भाई ने मुझे बोला था और मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। एक प्रॉब्लम मैं ये शेयर करूँगा कि बेसिकली हुआ क्या है। नंबर दो, TRC की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अभी TRC में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे बनेगी, जो लोग नए हैं, ठीक है। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और नंबर तीन, जो पाकिस्तानी मेरे जैसे जो काम करने के लिए टर्की में आना चाहते हैं और जिनको पता नहीं है सैलरीज़ क्या है और आना चाहिए या नहीं। नंबर चार, जो बिजनेसमैन लोग हैं, ये चार मसला मतलब ये चार जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली मैं बात कर लेते हैं हम जो यहाँ पर चल रहा सीन, तो अदील भाई आपके साथ शेयर करेंगे। अदील भाई, आपने क्या सुना है और बेसिकली हुआ क्या है? सुना ये, मैंने मेरा दोस्त है अजीम सुबानी, उसने मुझे कॉल किया है कि अदील भाई इस तरह जो है ना पाकिस्तानियों को ऊपर सख्ती कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तानियों ने जो है ना कोई अपना बहुदा मूवी जो है टर्किश लड़कियों के साथ जो वो अपलोड की है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, तो ऐसी कोई बात है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, मैं फिर घर जाके पूछूंगा हाई साहब से, जो जिनके पास मैं रह रहा हूँ, तो हाई साहब से आगे पूछा। हाई साहब कह रहे हैं इसी तरह ही है ये मामला बना है, तो अभी जो है ना ये बहुत सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, चेक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हर जगह पर जो ना कंट्रोल कर रहे हैं। पहले हम 3-4 दिन पहले हम गए थे, मैं और असद भाई बाहर घूमने के लिए, 2-3 पुलिस वालों ने हमें चेक किया, उन्होंने बोला आप कौन सी कंट्री से हैं, हमने बोला पाकिस्तानी, उन्होंने साथ ही बोला कारदश। मैंने असद भाई को बोला ये कारदश का क्या मतलब है, मुझे तो नहीं आती तुर्की। असद भाई ने मुझे बोला ये कहते हैं दोस्त है कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो नया जो करंट पोजीशन है अभी बहुत सख्ती कर दी, अभी वो चेक कर रहे हैं। अभी इसमें पता क्या है, वीडियो से पहले भी बनाई जाती थी, मेन जो वीडियो है वो वीडियो में मतलब हुआ ये है कि पाकिस्तानियों ने, मुझे नहीं पता वो डंकी वाले थे इलीगल थे या लीगल थे, अब प्रॉब्लम दोनों को आएगी। इलीगल को ज़्यादा आएगी, इलीगल को जहाँ पर वो देखेंगे पकड़ेंगे डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, या उनको कैंप में लेके जाएंगे। और नंबर वन, जो जो लीगल लोग हैं उनको भी भाई बार बार पर हर जगह पर चेक किया जा रहा है, ठीक है। और उसमें साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ TRC की, TRC में भाई सीन ये है, काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ बनाए टिकटॉक पर कि भाई TRC टोटली बंद कर दी, ये बिल्कुल झूठ है। TRC बंद नहीं हुई इस्तांबुल में, दूसरे शहरों से भी बन जाएगी, वहाँ के रूल सेम है, लेकिन यहाँ पर सीन उन्होंने ये किया कि मोस्टली हर पाकिस्तानी जितने भी सूरियन हैं अफगानी हैं, कोई भी बंदा लीगल आता है वो इस्तांबुल में आकर TRC अप्लाई करता है, ठीक है। अब वो ये है कि पहले ये था कि घर का कॉन्ट्रैक्ट लाएं, मालिक साथ नहीं था जाता, अभी क्या सीन है, घर का कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा यहाँ पर आकर मकान लेगा कॉन्ट्रैक्ट उसी के नाम पर हो,
उसके बाद भाई वो बंदा मालिक को साथ लेकर जाएगा, नोटर करवाएगा, मालिक साथ जाएगा, उसके बाद वो नोटर करके देंगे, जिसको हम ट्रांसलेट आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नोटरी करवाएगा मालिक साथ जाकर, उसके बाद भाई आप पाकिस्तान से अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओगे लास्ट 6 मंथ की। उसके बाद यहाँ पर आकर आप रीज़न दोगे कि मैंने यहाँ पर बिजनेस करना है या मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, इस वजह से मैं TRC ले रहा हूँ। नंबर दो, जो आप पैसे लेकर आएंगे ना साथ, वो आप पाकिस्तान से भी डिक्लेयर करके आएंगे भाई मैं $10,000 या $5,000 लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद मतलब जो 18+ है वो $10,000 लेके आ सकते हैं, उसके बाद जो 18 से कम जिसकी एज है वो $5,000 लेके आ सकता है। वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, वो आपको एक पेज देंगे, उसके बाद आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आकर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं $10,000 या $5,000 लेकर आया हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप और जो आप बैंक स्टेटमेंट लेकर आएंगे भाई, वो आप पाकिस्तान में एम्बेसी में जाकर भी उसको नोटराइज करवा सकते हैं, वेरीफाइड करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर आकर पाकिस्तान में नहीं करवाते, टर्की में आकर करवाओगे तो आपके लगेंगे $40, ठीक है, मतलब उसको ट्रांसलेट करने के। यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी आप यहाँ से भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप लोगों ने वहाँ से करवाना है फ्री में या यहाँ पर आकर पैसे देने हैं। उसके बाद जब आप पाकिस्तान से करेंसी लेकर आओगे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, यहाँ पर आकर भी आप डिक्लेयर करोगे कि मैं $10,000 या $5,000 लेकर आया। जब आप TRC अप्लाई करोगे तो वही डॉक्यूमेंट सारे उसके साथ लगेंगे। नंबर दो, जब आप लोग पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हो, उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी आते हो, जैसे कि एंटीन हो गया, एंटीन के साथ वो बिजनेस का होता है ना, चैम्बर का कार्ड और एक और चीज़ है अपना बैंक स्टेटमेंट के साथ वो लेते हैं, मेंटेनेंस लेटर भी। हाँ, मेंटेनेंस लेटर, तो मेंटेनेंस लेटर, बैंक स्टेटमेंट, चैम्बर का कार्ड, और उसके बाद पाकिस्तान से जो कंपनी का जिसके ऊपर रजिस्टर होती है उसको क्या कहते हैं, NOC? नहीं, वो जो लेटर पैड भी आपने लेकर आना। आपने यहाँ पर आके भी दिखाना है भाई मैं पाकिस्तान में बिजनेस करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे, यहाँ पर मालिक आपके साथ जाएगा, जो आपने मकान लिया होगा उसके बाद जाकर आपकी TRC बनेगी। और बाकी जो चार्जेस हैं $100 वो तो वही है TRC के, ठीक है। बाकी कंसल्टेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काफ़ी लोगों को उठाया भी गया है जो TRC बनाते थे। यहाँ पर एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त, नहीं मैं कह सकता, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई उनके ऑफिस में जाकर मलिक से जात, ठीक है। तो भाई बहुत भी मतलब ज़ाहिर है वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं कि उनका ऑफिस है, लीगल काम करते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और मैं बाकी मज़ीद आपको बता नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये, और तीसरी चीज़ ये कि जो पाकिस्तानी मेरी तरह मतलब काम करने के लिए आएंगे, कि ज़ाहिर है देखें यार अभी टर्की की जो हालात बन चुके हैं ना, ये मोस्टली तो मतलब हर बंदे को निकाल रहे हैं। दूसरा, महंगाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरे नंबर पर जो ट्रेजडी हो गई है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम कर और है पाकिस्तान और ज़्यादा इन्होंने सख्ती कर दिया, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल से नए पाकिस्तान को यहाँ पर जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। क्यों दिल भैया, आपको बोलेंगे नहीं, इधर काम करने की नीयत पे आपको नहीं आना चाहिए। इधर बहुत से ज़्यादा तो तनख्वाह ना वो 3,000 ले रहा है, 3,000 ले रहा बनता 36,000, तो 3,000 में आप कम अज़ कम 600 से 700 रुपये जो अपने रूम का रेंट देंगे, ठीक है, तो 50 रुपये खाने के लगाए ना 3 टाइम के, 1500 आपके खाने का चला गया, मतलब टोटल 1500 रुपया आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर लेंगे और 1500 रुपये आपको बचेगा पाकिस्तानी, तो वो बन जाएगा 17-18 हज़ार रुपये। तो उसके बाद आपने कहीं घूमने भी जाना, छुट्टी आती है, आपने कहीं जाना है आना है, तो इधर आने का फ़ायदा कोई नहीं। इससे ज़्यादा बंदा पाकिस्तान में पैसे कमा लेता है, तो आप दुबई जा सकते हैं और कोई कंट्री में जा सकते हैं। अगर तुर्की में आपने आना है विज़िट करने आए, ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, और ये तारीखी इधर जो है ना बिल्डिंगें भी हैं, मकामात हैं इस्लामी भी, ठीक है, तो खूबसूरत बहुत है ये यूरोप के मुकाबले में। मैं यूरोप में तकरीबन 5 से 6 साल रहा हूँ, लेकिन ये सेम यूरोप की कॉपी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इधर जो आमदन है, अर्निंग है पैसों की, वो इधर कोई समझ नहीं आती, ठीक है। आप घूमने के लिए आए, टूरिस्ट की नीयत पे, काम करने की नीयत पे आप जो है ना जलील होंगे, इधर आके परेशान होंगे, फ़ायदा कोई नहीं। अभी जो सीन बन चुका है, बाहर अभी अगर मैं बात कर लूँ लास्ट में बिजनेस मैनों की, अगर किसी बंदे ने बिजनेस करना है तो भाई वो बंदा आ सकता है, लेकिन जो मैंने सब कुछ बता दिया है, ज़ाहिर है वो आते साथ TRC अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट लेंगे, लेकिन मोस्टली हर डंकी वाले को अब भाई वो ये डिपोर्ट ही करेंगे। अभी जो सीन बन गया, हर जगह जगह पर चेकिंग हो रही है, हर बंदे को चेक कर रहे हैं। पहले ये था कि ज़्यादा चेक नहीं थे करते, अभी चेकिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी। और बिजनेसमैन, अगर किसी बंदे ने बिज़नेस करना है,
$50,000-$60,000 या किसी बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी है जहाँ पर, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर वैसे ही रहना है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो भी आ सकता है। बाकी काम के लिए और TRC ये चीज़ें तो मुश्किल हो गई हैं, अब देखते हैं क्या सीन होता है आगे। और जो लोग इधर आते हैं कि हम आगे से जाके डिंकी लगाएंगे तो ये भी इधर बहुत सख्ती हो गया भाई। अब ये बिल्कुल मतलब इधर जो ना डिंकी की नीयत पे भी ना आ पाए, ठीक है, आपने पैसे ज़ाया करने इधर बैठ के। जेंटों ने आपको फ़ोन पे पता क्या करना, मसला कोई हम कल आपको निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, अभी जा रही है गाड़ी, आप पैसों का बंदोबस्त करें, लेकिन वो आपको बिठा के इधर जलील करेंगे। एक हफ्ते बाद जा रहा है, दो दिन बाद जा रहा है, तीन दिन बाद जा रहा है, तो इस नीयत पे भी आप इधर ना आइएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट उधर जो काम आप करवाएं लीगल वे के ऊपर, जिस तरह होता है स्टेटमेंट तैयार करवाएं, अपनी अपनी कंपनी बनाएं एक, ठीक है, चैम्बर की मेंबरशिप लें, NTN अपना बनवाएं, उसको 3-4 महीने उसकी जो है ना स्टेटमेंट को रनिंग करें, उसके बाद कोई लीगल तरीके से आप जो है ना अप्लाई करें। तो ये डिंकी के चक्कर में मैं तो आपके राय दूंगा ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी सर जी वैसे बहुत ज़्यादा जलालत है, लाइक जो ग्रीस है, यूनान, उन्होंने भी दीवार बना दी है, ठीक है, अब वहाँ पर भी डंकी लग सकती। और ईरान का तो मसला नहीं, ईरान से तो लोग आ रहे हैं। बाकी सख्ती भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जितना मैं आपको कह लूँ कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहरहाल जो पाकिस्तानियों ने किया वो बहुत ही गलत किया है, ऐसा इनको करना नहीं था चाहिए। जो थोड़ा बहुत रिलेशन था, मतलब इनका टर्किश के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपना नाम खुद ही ख़राब किया। अब क्या होता है, ज़ाहिर है अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सीन होने वाला है आगे। तो मेरा दिल था कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 2-3 बातें मैं आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर कर दूं। अकील भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और आई होप कि आप लोग समझ होंगे जो लोग अब कहते हैं कि इस्तांबुल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और जो यहाँ पर सीन हो गया तो अदिल भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान ने किया, गलत किया, ने किया। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं भी इधर टूरिस्ट के लिए आया हूँ, तो 2-3 दिन पहले मैं असद भाई घूमते रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो वगैरह बनाते रहे हैं, तो इन्होंने कोई हमें टेंशन नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की। पुलिस वाले मिलते हैं इधर बहुत अच्छे तरीके से, आप कौन सी कंट्री से, हमने बताया पाकिस्तान, वो बोलते हैं कारदश, बिल्कुल कारदश ही बोलते हैं दोस्त को, भाई को बोलते हैं। तो अभी हम कल भी निकले हैं, तो आज भी निकले हैं, तो आज हमने 2-3 जो ना पुलिस वालों ने चेक किया, कंट्रोल किया, दिखाएं, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी असद भाई जो बहुत बहुत अच्छे आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं, इनके चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और बाकी भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे अपने पाकिस्तानियों के बारे में जिन्होंने ये किया है, गलत किया है? और मैं तो यही बोलूँगा भाई जिन्होंने गलत किया है सज़ा उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, आप जो कुछ भी बोलना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।